हम बात कर रहे हैं जेपी पावर की। आज के दिन की बात करें तो छोटी मोटी गिरावट के साथ फिलहाल स्टॉक जो है हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 15.20 पैसा पर फिलहाल हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, 15 रुपये 20 पैसे की लेवल पर। जब स्टॉक ने रिजेक्शन लिया था, गिरावट दिखा रहा था, हमने डिस्कस किया था इस सपोर्ट को आखिरी सपोर्ट के तौर पर। हम देख सकते हैं उसी सपोर्ट के आसपास से स्टॉक ने हमको रिकवरी दिखाई, एक जंप आया था, सस्टेन नहीं हो पाया, स्टॉक रिजेक्शन ले गया है और इस रिजेक्शन के साथ अपने इस लो को भी ब्रेक डाउन दे सकता है 14 रुपये 40 पैसे के लेवल को। हम देख सकते हैं इससे पहले भी जंप आया था, सस्टेन नहीं हो पाया, अगेन रिजेक्शन ले गया। अगेन हम देख सकते हैं यहाँ से एक जंप आया था, सस्टेन नहीं हो पाया, रिजेक्शन ले गया। इस अकॉर्डिंग यहाँ से एक जंप आया, स्टॉक रिजेक्शन लिया है, अपने इस लो को ब्रेक डाउन करता हुआ नज़र आ सकता है। अगर अपने लो को ब्रेक डाउन कर जाता है रिसेंट लो को 14 रुपये 40 पैसे के लेवल को, तो फिर वैसे कंडीशन में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। फिर आखिरी सपोर्ट जहाँ से इससे स्टॉक ने इससे पहले हमको रिकवरी के साथ 17 रुपये 50 पैसे 18 रुपये तक के टारगेट दिखाए थे, 12 रुपये तक का भी फॉल हमको जेपी पावर में देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक गिरावट में है, हमको लगातार गिरावट दिखा रहा है और मार्केट भी गिरावट का सिग्नल दे रहा है, तो वैसे कंडीशन में छोटे मोटे जंप पे हमको तो अवेयर रहना होगा, एंट्री के लिए थोड़ा सा हमको इंतज़ार करना ठीक रहेगा। जब तक स्टॉक बाउंस बैक करके जहाँ से रिजेक्शन लिया है 19 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक इसमें लगातार तेज़ी देखने के लिए नहीं मिल सकती। इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा लगातार तेज़ी के लिए। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।